छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है और देवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। चक्रधर सिंह के प्रपोत्र हैं महाराजा चक्रधर सिंह हुआ करते थे, जिनके प्रपोत्र हैं वे देवेंद्र प्रताप, और देवेंद्र प्रताप सीएम साय के करीबी भी माने जाते हैं। देवेंद्र प्रताप राज्यसभा की एक सीट जो 2 अप्रैल को खाली हो रही है उसके लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। मौजूदा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का टिकट कट गया है और अब देवेंद्र प्रताप सिंह जो है उनको टिकट दे दिया गया, उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को, और पूरे संगठन के, हमारे प्रदेश के सभी संगठन के लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे राज्यसभा में भेज रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कल लेखानुदान लाया जाएगा, लेखानुदान पेश किया जाएगा। इस सत्र में बजट पेश नहीं करने वाली है मोहन सरकार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और 2024-25 के लिए लेखानुदान पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। लेखानुदान अप्रैल से जुलाई 2024 तक का ही होगा और करीब 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का ये लेखानुदान का अनुमान जताया जा रहा है। सरकार अपनी योजना का अनुमानित खर्च इसमें बताने वाली है और फिर जुलाई के महीने में पूरा बजट जो है वो सरकार लेकर आएगी। ऐसा वैसे कम होता है, लेकिन सरकार जो है पहले लेखानुदान ला रही है और अप्रैल से लेकर जुलाई तक का ये लेखानुदान होगा, करीब 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का बताया जाता है। ये इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि लेखानुदान 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का होगा और फिर सरकार जो है अपनी योजना का अनुमानित खर्च भी बताने वाली है और इसके बाद फिर जुलाई के महीने में सरकार पूर्ण रूपेण बजट लेकर आएगी मध्य प्रदेश का। और अंबिकापुर में बीजेपी विधायक ने एक बड़ा बयान दिया है। विधायक अमर अग्रवाल जो हैं उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा और 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, बस्तर के प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। सरगुजा के क्लस्टर प्रभारी अमर अग्रवाल बनाए गए हैं और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री वोट करती है कि कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी के बारे में खासकर 3 जो हमारे सांसद थे वो विधायक बन गए, अंबिकापुर से रेणुका जी, बिलासपुर से हमारे अरुण साहु जी और रायगढ़ से गोमती साय जी, और 1 सीट बस्तर और कोरबा पिछले बार हम हार गए थे। तो 5 सीटों के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही प्रत्याशी घोषित हो जाएगा और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी होकर पैनल जो है दिल्ली गया हुआ है और अब ये अंतिम निर्णय उस पर पार्लियामेंट्री वोट करेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में माधव सेवा न्यास के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मध्य प्रांत ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। विमर्श कार्यक्रम में सीएम ने अपने विचार रखे और एक पुस्तक का विमोचन भी उनके द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद के मानव जीवन कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है, इसलिए मानव जीवन की सार्थकता होना चाहिए। समूचा समाज चराचर जगत में अध्यात्म फैला हुआ है। मैं विवेकानंद केंद्र के उदात्त विचारों की सराहना भी करता हूं और मैं स्वयं आज कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। एमपी कांग्रेस के कई नेताओं को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पिछले 7 साल के लेन देन की जानकारी भी इनसे मांगी गई है। इसमें भिंड लोकसभा प्रत्याशी जो माने जा रहे हैं देवाशीष जरारिया, इनको भी नोटिस थमा दिया गया है। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया को भी नोटिस दिया गया है और 2019 का चुनाव लड़ने वाले
या जिनका नाम चल रहा है, ऐसे कई सारे नेताओं को नोटिस दिया गया, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भी ये नोटिस आयकर विभाग की तरफ से भेजा गया है। और आयकर विभाग की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है, इस पर देवाशीष जरारिया बरसे हैं और केंद्र पर परेशान करने के आरोप उन्होंने लगाए। कहा कि वे सभी जानकारियों के साथ पेश हो जाएंगे आयकर के सामने। आयकर विभाग के सामने विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के आरोप उन्होंने लगाए और कहा कि हम इस संबंध से डरने वाले नहीं हैं। 13 फरवरी को आयकर विभाग ने उन्हें बुलाया है। इस बार लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और संभावित प्रत्याशियों की सूची में मेरा भिंदतिया से नाम है। ऐसे में मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके का समन दिया गया है। 13 तारीख को शाम को 5 बजे सभी दस्तावेज जो मुझसे मंगाए गए हैं वो लेकर मैं आईटी के सामने समक्ष, जो उनके अधिकारी जिन्होंने बुलाया है, उनके समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि हम इस सब हरकतों से आप ही डरने वाले नहीं है, हम आपके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सागर में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है और ये विस्फोटक जो है 14,000 किलो से ज्यादा का जब्त किया गया है। अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की गई और कुल मिलाकर 14,000 किलो से ज्यादा का विस्फोटक जब्त किया गया। घनी आबादी वाले इलाके में भंडारण इसका किया गया था। नतीजा क्या हो सकता था यह हम हरदा में देख चुके हैं। अब ऐसे में जब हरदा की घटना सामने आई उसके बाद शासन प्रशासन जो है वो एक्टिव हुआ और ऐसे संस्थानों की छानबीन की गई। अब यह कहा जा रहा है कि संस्थाओं के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। बता दें कि गल्ला मंडी रावतपुरा कॉलेज के पास यह कार्रवाई की गई। और उधर हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था, इस मामले में दिग्विजय सिंह का बयान आया है और उन्होंने मांग कर डाली है कि इस पूरे मामले की घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, हादसे को रोकने के लिए एक पॉलिसी भी तैयार की जानी चाहिए। और उन्होंने कमल पटेल पर साथ ही साथ निशाना साधा है और कहा है कि उनके रहते कैसे या अवैध फैक्ट्री चल रही थी यह भी बताया जाना चाहिए। प्रशासन की खामियां कहां कहां पर रही हैं, इसके लिए न्यायिक जांच होना चाहिए और उसको 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए। उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी इस प्रकार के हों जिससे कि किन कारणों से यह हादसा हुआ और क्या आगे पॉलिसी होना चाहिए, ये 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आए, इस तरह की कोशिश होना चाहिए कि प्रशासन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। वे जशपुर के कंडोरा गांव में पहुंचे थे जहां पर मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम था। इस दौरान उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने भी मातृ पितृ दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये आग्रह हुआ है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस घोषित किया जाए, तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस घोषित करता हूं। रायगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध देखने को मिला है। बीजेपी के युवा मोर्चा की तरफ से इसका विरोध किया गया और जय श्री राम के नारे लगाए गए। विरोध के बाद राहुल गांधी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। चपले और नहर पाली का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। कार्यक्रम छोड़कर कोरबा के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके। इधर कवर्धा पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ने सीए को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि सीए किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। उन्होंने कहा कि सीए का लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से कहा कि प्रदेश की सभी 11 की 11 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। मतलब चुनाव से उस बात का कोई लेन देन ही नहीं है। सीएए जो है यह नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। तो चुनाव से पहले भी होने से क्या इशू है और इसका चुनाव से कोई लेन देन है भी नहीं। कितना अंतर आ गया इस बात में? मैं वही कह रहा हूँ आपसे फिर से कि इससे चुनाव से कोई लेन देन नहीं और अंतर तो कुछ नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में तो 11 की 11 सीट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है साहब।
इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाले। इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है और चुनाव लड़ने से इनकार किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की आधी सीटें जीतने की संभावनाएं कांग्रेस के लिए जताई हैं और कहा है कि कांग्रेस 5-6 सीटें छत्तीसगढ़ में जीत सकती है। अभी मीटिंग भी हुई थी, वहां बात भी आई थी। मैंने कहा व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक कारण है, स्वास्थ्यगत कारण है परिवार के, उन परिस्थितियों में मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और कई लोग कहते हैं सरगुजा से आप लड़ेंगे क्या, तो वो तो आरक्षित सीट है, कि अन्य जगह से भी बात आई थी, कोरबा से भी बात आई थी, बिलासपुर से भी बात आई थी, तो मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ। लेकिन आधी से ज़्यादा सीटों में कांग्रेस की अच्छी संभावना है और हम लोग चाहेंगे कि आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीते, प्रयास रहेगा सभी जीतने का। और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले हार मान गई है, कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सिंहदेव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब ही स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है और छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी तेज कर दी है। इस कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोलने का ऐलान किया। पार्टी ने ऑफिस खोलने की जिम्मेदारी क्लस्टर प्रभारियों को दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़ को 3 क्लस्टर्स में बांट रखा है। लोकसभा के अंदर 11 लोकसभाओं में कार्यालय का लोकार्पण कर चुके हैं, हमारी गतिविधियां बढ़ गई है। नीचे स्तर पर विधानसभा में कार्यालय का गठन करना, जो हमने लगभग 34 कमेटियां बनाई हैं, उसको लोकसभा के बाद में विधानसभा तक स्तर पर चुनाव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको इम्प्लीमेंट करना, और नीचे तक हमने अपना वॉल राइटिंग अभियान प्रारंभ कर दिया, हमने बूथों की बैठक लेना कर दिया, घर घर चलो अभियान प्रारंभ कर दिया, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के जो हितग्राही है उनसे संपर्क अभियान भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। छतरपुर के बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म क्या है नाम से पुस्तक लिखी है। बागेश्वर धाम प्रमुख से न्यूज 18 संवाददाता ने खास बातचीत की। बागेश्वर महाराज हमेशा अपने कामों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस बार वह एक पुस्तक को लेकर चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है सनातन धर्म क्या है। आइए हम बागेश्वर महाराज से जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपका जो कार्यक्रम है सनातन धर्म क्या है, इस पर आपने एक पुस्तक लॉन्चिंग की है। काफी सनातन धर्म क्या है वह पुस्तक बहुत अद्भुत है और धर्म विरोधी जो सनातन के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है। उसमें एक एक चीज बारीकी से जानकारी दी गई है कि सनातन धर्म का मतलब, सनातन धर्म के लक्षण, सनातन धर्म का उद्देश्य और अन्य मजहबों की तुलना में सनातन धर्म श्रेष्ठ क्यों है। और धर्मों में तो बकरा काटना धर्म है, हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म है, औरों के मजहब में विवाह अनुबंध है और 3 बार कुछ कुछ कह देने से विवाह टूट जाता, हमारे यहाँ संबंध है, जन्म जन्म का संबंध है। यही सनातन धर्म की श्रेष्ठता को बताने के लिए, धर्म विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुस्तक लिखी गई। कितना समय लगा था पुस्तक में, कैसे थी? वैसे तो 5 दिन में लिख गई थी, लेकिन उसको पूरा चेक करने में, सब कुछ बार बार जोड़ने घटाने में लगभग 3 महीने, 1.5 महीने से 2 महीने, 3 महीने का समय लगा। अब वह अब मार्केट में उपलब्ध है, बहुत जल्दी वह ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी। बागेश्वर धाम स्टॉल, बागेश्वर धाम कार्यालय पर उसको आप प्राप्त करके पढ़ सकते हो। हर बच्चों के बैग में पहुंचाने का कोशिश है, हर बच्चों के दिलों में पहुंचाने का, हर भारतीयों के दिलों में पहुंचाने की कोशिश है। आवश्यकता क्या आन पड़ी थी गुरुजी? सनातन धर्म पर लगातार उठती हुई उंगली और जो अभी फिल्में बनाई गई कि सनातन का मतलब पता नहीं लोगों को चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए थे हमारे साथ बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बता रहे थे कि जो सनातन धर्म पर उन्होंने पुस्तक को लॉन्च किया है उसके पीछे सिर्फ वजह यही है कि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, बागेश्वर धाम, छतरपुर। दतिया में प्रतिबंधित इलाके में भी मशीनों के जरिए अवैध तरीके से खनन जारी है, शिकायत भी हुई, वीडियो भी सामने आया, लेकिन खनिज विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ग्वालियर सीमा से सटे सिंध और पहुज नदी में दिन रात मशीनों के जरिए रेत निकल रही है, इसे सरकार को
अच्छा खासा राजस्व का नुकसान हो रहा है और नदी को तो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं सभी रेत खदानों पर अवैध उत्खनन चल रहा है, चाहे वो दतिया विकासखंड की हो, भांडेर की हो या सेवड़ा की हो। वो आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये बात सही है, बड़े पैमाने पर जो अवैध रेत खनन हो रहा है उससे राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। सारी जो संपर्क सड़कें हैं उनका नुकसान हो रहा है, ओवरलोडिंग होती है तो सड़कें डैमेज हो रही। जो भी नियम अनुसार शिकायत प्राप्त होती है कार्रवाई की जाती है, आगे भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि माइनिंग के पास स्टाफ नहीं है। हम एसपी साहब से भी लेटर लिखे थे कलेक्टर साहब की तरफ से, और अगर वन विभाग में होता है तो वन विभाग में उत्खनन रोकना वन विभाग की जिम्मेवारी है, और समस्त पुलिस थानों को निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि माइनिंग में हमला नहीं है इस कारण